हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आदिवासी स्वास्थ्य एवं अनुसंधान के लिए सैटेलाइट सेंटर की एक अनूठी पहल। जनजातीय स्वास्थ्य का उत्कृष्ट केंद्र अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर ने जनजातीय लोगों के स्वास्थ्य व स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार, जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग राजस्थान सरकार एवं माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर राजस्थान के सहयोग से आबू रोड के जनजातीय भवन में सैटेलाइट सेंटर फॉर ट्राइबल हेल्थ एंड रिसर्च को स्थापित करने के तहत से आज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए। यह MOU अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर एवं जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग राजस्थान सरकार एवं माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर राजस्थान के बीच किया गया। जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग की कश्मीर प्रज्ञा केवल रामानी के मार्गदर्शन में यह प्रोजेक्ट गतिमान है। सैटेलाइट सेंटर फॉर ट्राइबल हेल्थ एंड रिसर्च जनजातीय लोगों के स्वास्थ्य व स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान की दिशा में काम करेगा। इस सेंटर का लक्ष्य मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना, जनजातीय लोगों की बीमारी की रोकथाम के लिए जनजातीय लोगों में जरूरी स्वास्थ्य शिक्षा व स्वास्थ्य को बढ़ावा देकर एक आकांक्षी जिले में आदिवासी लोगों की स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार करना है। एम्स जोधपुर उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल की तुलना में निवारक पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगा। प्राथमिक देखभाल के अंतर्गत स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य संवर्धन प्रदान की जाएंगी। माध्यमिक देखभाल के अंतर्गत STHR में एम्स जोधपुर के विशेषज्ञों द्वारा सभी स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट के टेली कंसल्टेशन की अनूठी सुविधा होगी। टेली मेडिसिन विशेषज्ञता सामान्य चिकित्सा, बाल रोग, प्रसूति एवं स्त्री रोग, शल्य चिकित्सा, चर्म रोग, मनुष्य चिकित्सा आदि जैसे विभागों में एंडोक्रिनोलॉजी और मेटाबॉलिज्म, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी आदि जैसे सुपर स्पेशलिटी में साक्ष्य आधारित देखभाल में मदद करेगा। रोगी के रिकॉर्ड में एम्स जोधपुर के अस्पताल सूचना प्रणाली पर एक समर्पित जनजातीय सिरोही पोर्टल में जोड़ा जाएगा। आने वाले समय में यह केंद्र जनजातीय स्वास्थ्य एवं अनुसंधान का एक जन उपयोगी केंद्र होगा। जनजातीय लोगों में सिकल सेल एनीमिया, तपेदिक, सिलिकोसिस जैसी विशेष समस्याओं के लिए दीर्घकालिक अनुसंधान की आवश्यकता है। सामुदायिक अनुसंधान आदि के माध्यम से जनजातीय सामुदायिक विकास के लिए STHR एक बहुत ही उपयोगी मॉडल होगा। कार्यक्रम में केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर नवलजीत कपूर, जॉइंट अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था जोधपुर के निदेशक डॉक्टर संजीव मिश्रा, जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के एडिशनल कमिश्नर VC गर्ग, माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर के निदेशक गोविंद सिंह राणावत, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था जोधपुर के उप निदेशक NR बिश्रोही, कार्याध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर अभिनव दीक्षित, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर के वाइस डीन डॉक्टर शिल्पी गुप्ता दीक्षित, SDM अभिषेक सुराना, जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग उपायुक्त श्रीमती सुमन सोनल ने भाग लिया। जागू टीवी के संवाददाता से जोधपुर से डायरेक्टरेट एम्स के डॉक्टर संजीव मिश्रा, इनका कहना है कि जागरूक टीवी के आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।